हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ घटाव और गुणा निकालने। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए यह विधियां हैं। जैसे में देखिए, प्लस या कॉमा माइनस रहे या माइनस कॉमा प्लस रहे तो घटा दीजिएगा। किसी भी संख्या का आगे चिन्ह अगर माइनस या प्लस लगा रहे तो उसे आराम से घटा दीजिएगा, ठीक। उसके बाद में अगर किसी भी संख्या के पहले प्लस कॉमा प्लस या माइनस कॉमा माइनस रहे तो जोड़ दीजिएगा। किसी भी संख्या के पहले अगर चिन्ह प्लस प्लस रह गया या माइनस माइनस रह गया तो उस स्थिति में तुरंत जोड़ दीजिएगा। जैसे में एग्जाम्पल देख लीजिए, माइनस पाँच प्लस दो, माइनस पाँच में से दो गया तो तीन बचा। अब ये देखना है कि चिन्ह माइनस का लिखाएगा या प्लस के। तो जोन संख्या का चिन्ह अगर जोन संख्या बारह रहेगा उसका ही चिन्ह लिखाएगा। तो माइनस पाँच की संख्या बारह, पाँच बारह है, दो बारह है कि पाँच, तो पाँच, तो पाँच बारह है, तो पाँच के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है माइनस है तो माइनस तीन आंसर आ गया। आगे देखिए, जैसे मैं दस, दस माइनस बारह, तब मतलब कि दस में से बारह गया, बारह में से दस गया तो दो बचा। कौन संख्या है, बारह संख्या बारह है कि दस, तो कहेगा कि बारह। तो बारह संख्या बारह है तो उसका चिन्ह को चाहिए माइनस है कि प्लस, था माइनस, तो यहाँ माइनस दो हो गया। आगे देखिए, पाँच जोड़ तीन, पाँच प्लस तीन बराबर प्लस आठ। ये तो प्लस प्लस सही है, यहाँ हम बताए हैं कि प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे तो जोड़ दीजिएगा आराम से। पाँच प्लस तीन आठ हो गया। यहाँ देखिए, माइनस तीन माइनस छः, माइनस तीन माइनस छः, तो माइनस तीन माइनस छः, छः तीन नौ। आई दोनों अगर माइनस माइनस रहे, माइनस माइनस रहे तो आराम से जोड़ दीजिएगा, इसलिए वहाँ जोड़ा दिया माइनस तीन माइनस छः माइनस नौ। आगे देखिए, माइनस पाँच प्लस दो प्लस तीन माइनस सात माइनस वन। तो आगे जोड़ दीजिए प्लस वाला के, तो तीन दो पाँच, पाँच वहाँ हो गया। अब माइनस वाला को जोड़िए, माइनस सात माइनस वन माइनस आठ माइनस पाँच माइनस आठ माइनस पाँच माइनस तेरह। तो पाँच में से तेरह घटा तो बस ये आठ। अब देखना है कि संख्या कौन बड़ा, तेरह बड़ा है या पाँच। तो बड़ा संख्या तो माइनस मतलब तेरह है, तो यहाँ चीज माइनस का लिखा गया। या जोड़ा लगा के भी बना सकते हैं आप। जैसे माइनस पाँच प्लस दो, यहाँ एगो जोड़ लग गया, एगो यहाँ बच गया। तो आगे इसमें घटा लीजिए, माइनस पाँच में से दो घटा लीजिए तो माइनस तीन हो गया, क्योंकि बड़ा संख्या है तो चीन माइनस का होगा। एंड यहाँ देख लीजिए, तीन में से सात, यानी सात में से तीन गया तो चार बचा। बड़ा संख्या है तो माइनस का चिन्ह, मतलब सात बड़ा है तो चिन्ह माइनस हो गया, माइनस चार माइनस वन। माइनस तीन माइनस चार माइनस सात माइनस वन, फिर एक जोड़ लग गया, माइनस सात माइनस वन बराबर माइनस आठ। क्योंकि यहाँ हम बताए थे माइनस माइनस रहेगा किधर हुई, तो जोड़ दीजिएगा आराम से। अब आगे देखिए, जिसमें गुना रह गया तो गुना में स्मरणीय बिंदु, जैसे गुना देखा रहते हैं, जिधरों भी कन्हों भी प्लस गुना प्लस रहे तो आराम से यहाँ प्लस कर दीजिएगा। अगर प्लस गुना माइनस रहे, गुना में अगर प्लस चिन्ह रहे या माइनस चिन्ह रहे तो आराम से माइनस लिख दीजिएगा। अगर माइनस रहे या प्लस रहे, यानी माइनस गुना प्लस, तो आराम से माइनस लिख देगा। अब माइनस गुना माइनस बराबर प्लस। देखिए दोस्तों, किसी भी गुना में, किसी भी संख्या का गुना रहे तो चिन्ह अगर प्लस प्लस रहे, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस लिखा जाएगा, एंड प्लस गुने माइनस, प्लस माइनस रहेगा एवं बीच में गुना रहेगा तो माइनस लिखा जाएगा। अब माइनस गुना प्लस रहेगा तो माइनस लिखा जाएगा, और यहाँ माइनस गुने माइनस रहेगा तो प्लस लिखा जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देखिए, जैसे माइनस माइनस तीन गुने दो, तो माइनस तीन, तीन दूनी के छः, तो यहाँ चिन्ह देखना, यहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ प्लस तो है बाबू। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ प्लस है ना, तब तीन दूनी के छः, यानी यहाँ देखना है जहाँ भी माइनस गुने प्लस रहे तो आराम से चिन्ह माइनस करते, तीन दूनी छः आगे गुना कर दीजिएगा। अब हमको देखना है कि चिन्ह प्लस का लाएगा या माइनस का लाएगा, तो चिन्ह माइनस का लाएगा या प्लस का लाएगा, तो यहाँ हम बता दिए, बता चुके हैं कि माइनस गुने प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस छः हो गया, आंसर हो गया। देखिए, अगर प्लस प्लस रहे, यहाँ प्लस भी है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस गुने प्लस रहे तो आराम से
प्लस छः लिख दीजिए, या प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे देखिए, चार गुने माइनस तीन, तो यहाँ हम बता चुके हैं कि प्लस रहेगा, प्लस यहाँ कुछ नहीं तो प्लस तो है राम दोस्तों, प्लस गुना माइनस तो माइनस, तो चरतीय बारह, तो चरतीय बारह हो गया, तो यहाँ बारह लिख दिए। अब यहाँ हम बता चुके हैं कि जिस संख्या का अगर प्लस रहे या माइनस रहे गुना में, तो यहाँ चिन्ह माइनस का लिखा जाता है, हम बता चुके हैं कि प्लस गुने माइनस तो यहाँ माइनस हो जाता है, आंसर हो गया दोस्त। फिर आगे देखिए, माइनस पाँच गुने माइनस छः, यहाँ माइनस पाँच गुने माइनस छः, तो हम बता चुके हैं यहाँ कि माइनस गुना माइनस रहे तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ आराम से प्लस छीन ले दिया, छः पच्चे तीस या पाँच छः तीस, आंसर हो गया, आंसर हो गया। आगे देखिए, अगर अगर संख्या रहे माइनस दो गुने माइनस तीन गुने पाँच गुने माइनस छः, तो आगे देख लीजिएगा, माइनस अगर रहेगा गुना में तो माइनस का संख्या देख लीजिएगा कि माइनस मतलब सम है या विषम। अगर सम रहेगा, अगर विषम रहेगा मतलब कि विषम संख्या, आप जानते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से पूरा 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 कट जाए, अगर दो पूरा पूरा कट जाए विषम, जो जो दो 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 से पूरा 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 नहीं कट जाए उसे विषम संख्या कहते हैं। तो माइनस एक दो तीन, तो तीन बाबू विषम संख्या यानी माइनस, तो यहाँ आराम से माइनस लगा दीजिएगा। अगर माइनस का चिन्ह अगर सम संख्या में रहे, जैसे दो चार छः आठ दस में रहे, तो आराम से प्लस लिखा जाएगा। अगर संख्या में अगर विषम संख्या रहे, माइनस को गिनला के बाद अगर विषम संख्या रहे, जैसे में तीन, तीन गो रहे माइनस, पाँच गो रहे माइनस, तो आराम से यहाँ माइनस लिख दीजिएगा। अब गुना करना है, तो गुना करना है तो गुना कर दीजिए, तो तीन दूनी छः, छः पचे तीस, तीस छक एक सौ अस्सी, आराम से यहाँ एक सौ अस्सी आंसर लिखा गया। आज के लिए दोस्तों इतने, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो कर दीजिएगा, बढ़िया लगेगा तब ही। आज भर के लिए, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया टॉपिक के साथ। ये दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर मैं एकदम बेसिक से एकदम हाई लेवल तक जाएंगे, यहाँ बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से एकदम हाई लेवल तक जाएंगे, इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।